एवरीवन, रोशनी की ब्लॉग रसोई में आप सभी को स्वागत है। तो यहाँ मैं सुबह उठते के साथ झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे पापा मेरी गुड़िया रानी को ले रखी है। वो भी सुबह सुबह, वो तो खैर 5 बजे या 4 बजे ही उठ जाती है जब से जगी रहती है, या थोड़ी बहुत कभी कभी सो लेती है। यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली थी दोनों साइड, रूम में भी और इधर रसोई घर में भी। तो यहाँ मैंने दलिया चढ़ा रखी थी, तो इसको ना अच्छे से पानी सुखा करके और दूध उबाल कर मैंने डाली थी। तो है ना, अच्छा लगता है पानी पूरा सुखा दो। तो मैंने दलिया तो बन गई थी और दूध डाल करके और लड्डू और दूध मैं अपने पापा को दे दूंगी। ये गुड़ वाली लड्डू है, काफ़ी अच्छी होती है, चीनी बिल्कुल नहीं डालते। और रात की सब्जी थी तो वही मैं गर्म करके और रोटी के साथ दे रही थी। फिलहाल मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनते के साथ ही मैं सब्जी गरम करूंगी और यहाँ मेरा काम रोटी की ख़त्म हो चुकी है और मैं सब्जी ले आई और इसको गरम करी। और साथ ही साथ मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धो लेती हूँ ना क्योंकि शहर में पड़ता है तो हम धो लेते हैं। यहाँ मेरी सब्जी गरम हो गई थी, पानी डाल के गरम करी थी, रात का था। तो यहाँ मैंने खाना निकाल के अब मैं पापा को दे देती हूँ। मछली थी रात वाली और यहाँ मैंने अपने पापा को खाना दे दी थी। और फिर बारी आती है मेरे नाश्ते की, तो मैंने भी गुड़ वाले लड्डू और दलिया खाई थी। शाम के टाइम में वक्त हो गया था और मेरे बाबू को मच्छर बहुत ही काटती है, तो इससे मैं थोड़ी बात कर रही थी। और इसको मैं पूरे बदन में क्रीम लगा रही थी, सिर्फ हाथ में लगाने के बजाय पूरे बदन में लगाती क्योंकि ये मुंह में डाल लेती अपनी हाथों को। तो यहाँ पे बात करते करते देखा तो कोई सब्जी नहीं था, दिमाग काम नहीं करता सब्जी के टाइम में। तो मेरा दिमाग आया क्यों ना अंडे के भुजिया बनाई जाती है। मैंने 2 से 3 प्याज ले ली थी और 5-6 मिर्ची, फिर इसके बाद 2 टमाटर, 1 आलू पड़ा हुआ था तो मैंने आलू भी ले ली थी। और इनमें छौंक लगाने के लिए जीरा, अजवाइन, हींग, ये सब चीज़ डाल करके मैं छौंक लगाती हूँ। और यहाँ प्याज मिर्ची डाल करके अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और 1 आलू था, मैंने आलू भी डाल करके इसको भी अच्छे से हमने फ्राई कर दिया है। और 2 जो टमाटर ली थी, एक बड़ा एक छोटा, तो इसको भी हमने काट करके अच्छे से इसको गला लेंगे नमक डाल करके। जब ये गल जाएगा थोड़ा सा तब इसमें हम डालेंगे अंडा। इसमें मैंने 4 अंडा डाले थी और इसको अच्छे से हम भून लेंगे जब तेल छोड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बर्तन धो रही थी क्योंकि बर्तन हो गया था। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाले थे, अपने घर की बना हुआ गरम मसाला। यहाँ मेरी अंडे भुजिया बन गई थी। बारी आती है रोटी बनाई थी, यहाँ मैंने रोटी ही बनाई थी और सब्जी कुछ नहीं था, तो बस यही बना था रात के खाने में, अंडे की भुजिया और रोटी। इधर मैं अपने पापा को निकाल करके दे दूंगी, फिर मैं अपनी बारी आती है मैं भी खाऊंगी। और मेरी बेटी तो अभी जगी पड़ी है, वो देखो टीवी देख रही है। जब हम न्यूज़ देख रहे थे तो वो भी साथ ही साथ न्यूज़ देख रही थी और इधर हम खाना खाए। ये जगी हुई थी कि ये जगेगी तो मैं जाके बाल्टी धोऊंगी क्योंकि सुबह पानी आने वाली थी। तो ये थोड़ी देर के बाद सोई थी और रात को मैं धोई थी 11:30 बजे के टाइम में बाल्टी। और क्योंकि सुबह पानी आने वाले थे, सारे बाल्टियों को धोना बहुत जरूरी था, दिन में ये जल्दी रहती नहीं है। तो रात में थोड़ी देर सोती है तो वही उसी टाइम बीच में हमने बाल्टी धो धा करके इसके रखा है क्योंकि 2 हफ्ता हो गया था बाल्टी नहीं धुला है। और साफ रहना देख बहुत जरूरी होती है। यहाँ साफ सफाई करने के बाद मेरे पापा थोड़ा सा हेल्प करने आते हैं कि ला मैं थोड़ा सा पानी खींच देती हूँ, मैंने पानी छोड़ दी थी। हाँ मेरा ना बाल्टी उल्टी बस धुली ढल गया था तो यहाँ पाए पर से उन्होंने खींच दिया है। आज की ब्लॉग बस यहीं तक है, आप मेरी वीडियो जरूर देखना। बाय बाय।